एक्सरसाइज हमारी लिमिट की एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी, उसमें से हमारे जो एग्जांपल हुए थे वो थर्ड एग्जांपल चल रहा था, ठीक है। तो आज से थर्ड से एग्जांपल कंटिन्यू कर लेंगे। आपने आपने जो भी एग्जांपल, मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ होमवर्क नहीं दिए थे, लेकिन जो भी मैंने एग्जांपल सॉल्व करके बताया वो सभी एग्जांपल आपको फेयर कॉपी में लिखना है, ताकि डिफिकल्टी नहीं जाएंगे पढ़ने में, ठीक है स्टूडेंट्स। और कुछ भी डाउट्स है तो फिर आप पूछ सकते हो। देखो थर्ड वाला एग्जांपल, हमने लिमिट सॉल्व कैसे करना है उसकी डायरेक्ट मेथड और एक जो थ्योरम मैंने बताया था उस थ्योरम से आपको वो एग्जांपल सॉल्व करना है। देखो ये थर्ड एग्जांपल, ये थ्योरम सी है। फर्स्ट मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, लिमिट ऑफ जेड एक्स टेंस टू 5 एक्स क्यूब माइनस 125 अपॉन एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 3125। अभी तो आपको ये देख के समझ में आया होगा कि ये एग्जांपल किस टाइप में है और किस मेथड से सॉल्व करना है। देखो एक्स क्यूब 1 माइनस 1, 125 किसका क्यूब है स्टूडेंट्स, 125 5 का क्यूब है और यहाँ पे एक्स रेस्ट पावर 5 है और ये 5 रेस्ट पावर 5 यानी 3125 आता ही है। तो यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट, यूजिंग लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए क्या आता है एन इंटू ए एन माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको स्टूडेंट यहाँ पे यूज करना है। लेकिन मैं ये फॉर्मूला कब यूज करूंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज करने के लिए स्टूडेंट मुझे इसके अपॉन में क्या चाहिए, देखो एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब, इसके अपॉन में फॉर्मूला यूज करने के लिए एक्स माइनस 5 चाहिए। तो एक्स माइनस 5 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं न्यूमरेटर को, तो यहाँ पे भी मुझे एक्स माइनस 5 करना पड़ेगा, तब जाके मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि न्यूमरेटर में जैसा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसलिए अभी इसको सेपरेट लिमिट लगा दो। क्या आएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 5 एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 5 एक्स रेस्ट पावर 5 माइनस 5 रेस्ट पावर 5 अपॉन एक्स माइनस 5। और फिर स्टूडेंट आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। एन है एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू क्या है 5 है, एन की वैल्यू क्या है 5 है, एन की वैल्यू क्या है 3 है यहाँ पे, एन ए माइनस 1 यानी 5 3 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है 5 इंटू 5 5 माइनस 1 तो ये कितना आएगा 3, 5 माइनस 3 माइनस 1 मीन्स 2 5 स्क्वेयर, और ये कितना आएगा 5 इंटू 5 रेस्ट पावर 4 तो 3 इंटू 25 अपॉन 5 इंटू 5 रेस्ट पावर 4 कितना आता है 5 टू 25 5 था 125 और वो 625 625 आ जाएगा। अभी देखो स्टूडेंट 25 1 था और ये 25 था तो कितना आ गया 3/125 कितना आंसर आ गया स्टूडेंट उसका 3/125, ठीक है। लास्ट में जो आंसर होगा आपको इससे सिंप्लीफाई नहीं करके दिया है, मैंने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है, तो आंसर कितना आ गया 3/25। लिख लो स्टूडेंट आप इस एग्जांपल को। उसके बाद ये जो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4 क्या दिया है, इफ लिमिट ऑफ दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है पॉसिबल वैल्यू। तो देखो फर्स्ट मैं एग्जांपल लिख रहा हूं लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए 1 एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए। देखो स्टूडेंट दोनों जगह आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, दोनों जगह ये फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिख रहा हूं, एक्स रेज टू पावर 4 में 1 को 1 रेज टू पावर 4 लिख सकता हूं ना स्टूडेंट, आंसर तो 1 ही आएगा अपॉन एक्स माइनस 1, और ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में दिया है आपको एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए। तो देखो स्टूडेंट इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा इस फॉर्मूले से 4 इंटू
वन रेज टू पावर 4 माइनस 1 इतना ही रहेगा, माइनस इक्वल टू, दोनों जगह इक्वल नहीं रहता इसलिए मैंने इसको इम्प्लाइज कर दिया। इसका आंसर कितना आएगा, 3 इंटू a 3 माइनस 1, तो 4 रेज टू पावर 1 रेज टू पावर 3, ठीक है। और ये 3 a रेज टू a स्क्वायर, तो मैं 3 इधर लिख रहा हूं उसमें, ये 4 ही हो गया, और ये 3, 4 बाय 3 इक्वल टू a स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड, तो a इक्वल टू क्या आ गया, +-2/√3। तो ये होगी स्टूडेंट पॉसिबल वैल्यू, जो हमको इस एग्जांपल में पूछी थी, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। तो ए की दो पॉसिबल वैल्यूज है, एक है -2/√3 और सेकंड वैल्यू है +2/√3, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस टू एग्जांपल। देखो स्टूडेंट उसके बाद हम सेकंड और थर्ड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। लिमिट ऑफ दिस ये दिया है एग्जांपल, ठीक है। ये एग्जाम्पल जितना डिफिकल्ट दिख रहा है उतना है नहीं स्टूडेंट्स। देखो a माइनस b a प्लस b क्या होता है, a² - b² बराबर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, q√x² - q√7² / x - 7 a माइनस b a प्लस b a² - b² यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अपॉन x माइनस वन। लिमिट ऑफ x → 7 / q√x² कितना होता है स्टूडेंट्स, देखो q√x को मैं ऐसे लिख सकता हूं x^(1/3) और इसका पावर 2, माइनस q√7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं (7^(1/3) (^2) अपॉन x - 7। लिमिट ऑफ x → 7 ये हो जाएगा स्टूडेंट x^(2/3) -7^(2/3) अपॉन x - 7। अभी स्टूडेंट मैं यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, मैं यहां ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, यूजिंग लिमिट ऑफ x → a (xn - an) / (x - a) = क्या होता है, (n a n - 1) ये होता है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला आप यहां पे यूज कर लो, ठीक है। तो क्या आएगा, 2/3, a की वैल्यू 7^(2/3 - 1), तो 2/3 7^(2/3 - 1) मीन्स कितना होता है, -1/3। तो हमेशा पावर में कभी स्वंस डिनो पावर में माइनस आई नहीं रहता है, तो इसको अगर मैं न्यूमरेटर में मैं डिनोमेटर में लिख रहा हूं तो ये आएगा 7^(1/3). तो 7^(1/3) को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना स्वंस q√7, तो ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला आप लिख लेना, मैं ये फॉर्मूला मिटा रहा हूं, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, इफ लिमिट ऑफ x → 5 व्हिच इज इक्वल टू 500, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। देखो मैं एज इट इज एग्जांपल लिख रहा हूं, x → 5 xk - 5k / x - 5 व्हिच इज इक्वल टू 500। यहां पे मैं फार्मूला वो यूज कर रहा हूं जो फार्मूला मैंने आपको यहां पे लिख के दिया था ना, वही फार्मूला। तो उस फार्मूले के हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, k × 5 k - 1। और 500 को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं स्टूडेंट, देखो 500 को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, 4 × 125। 4 × 125 कितना होता है स्टूडेंट, 4 × 125 500 होता है। नेक्स्ट स्टेप में k × 5 k - 1 = 4 ×, देखो 125 को मैं कैसे लिख रहा हूं, मुझे इस फॉर्म में लिखना है इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, 5^(4 - 1). देखो 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है, 5³ कितना होता है, 125 होता है। 125 को मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूं स्टूडेंट क्योंकि मुझे ये बैलेंस करना है। देखो अभी ये बैलेंस हो गया (n a n - 1) (n a n - 1), देखो n की वैल्यू दोनों जगह क्या है, सेम है,
इक्वल ये कब सेम रहेंगी, जब मैं के जगह 4 लिखूंगा, ए की जगह दोनों जगह 5 है, के की जगह 4 है, तो ये इक्वल कब रहेगा, जब मैं के की वैल्यू 4 लिखूंगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो इक्वेटिंग बोथ साइड्स देयर फॉर के इक्वल टू, अगर मैं दोनों को इक्वेट कर रहा हूं तो मुझे के की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। हो गया अश्वनी आंसर, के की वैल्यू क्या मिलेगी, इक्वेटिंग बोथ साइड देयर फॉर द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 4। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस टू एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट उसके बाद फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या गिवन दिया है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस एक्स रेस टू पावर 8 अपॉन 1 1 माइनस एक्स। देखो स्टूडेंट यहां पे देखो, अगर मैं 1 माइनस एक्स की जगह कोई भी वेरिएबल रखता हूं, ठीक है, मान लो यहां पे मैं वाई रख रहा हूं या जेड रख रहा हूं, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है स्टूडेंट, बन जाता है ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें पुट लिख रहा हूं, पुट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स इक्वल टू, मैं कोई भी अल्फाबेट लिख रहा हूं P, 1 माइनस एक्स इक्वल टू पी ये लिख रहा हूं। हमेशा याद रखो स्टूडेंट, जब भी मैं सब्स्टिट्यूशन यहां पे बता रहा हूं तो क्या होता है, लिमिट भी चेंज होता है। तो एज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, या ऐसा भी लिख सकते हो आप, एज एक्स टेंस टू जीरो देन वाई टेंस टू व्हाट, एक्स के टेंस टू जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो यहां पे पुट करनी है, तो P की वैल्यू क्या आएंगी, आपको मैंने P लिखा है ना, तो P की वैल्यू क्या आएंगी, 1 आएंगी। एज एक्स टेंस टू जीरो देन P टेंस टू 1, तो ये आपको लिमिट लिखना है। देयरफॉर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस एक्स रेस टू पावर 8 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस एक्स, इंस्टेड ऑफ 1 माइनस एक्स व्हाट वी हैव टू पुट, वी हैव टू पुट पी, ठीक है, पी रेस टू पावर 8 माइनस 1 अपॉन पी स्क्वेयर माइनस 1। तो आपको यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स क्या चाहिए, दोनों जगह पी माइनस 1 चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं पी 8 माइनस 1 अपॉन पी माइनस 1, और यहां पे भी मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं स्टूडेंट, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो पी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन पी माइनस 1। क्या किया मैंने, पी माइनस 1 से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड किया और सेपरेटली मैंने यहां पे लिमिट भी अप्लाई किया, और आपको यहां पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, एन ए एन माइनस 1। तो ये फॉर्मूला सुन आपको यहां पे यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या आएगा इसका आंसर, 1 को मैं 1 माइनस 8 लिख सकता हूं ना स्टूडेंट्स, और 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूं, तो ये कितना आएगा, 8 इंटू ए 1 8 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 2 माइनस 1, तो 8 बाय 2 मीन्स 4, बराबर है ना, 8 बाय 2 मीन्स 4, 1 रेस टू पावर 7 मीन्स 1 ही आ जाएगा, 1 रेस टू पावर 1 ही 1 हो गया ये 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 आंसर इसका आ जाएगा। ये 2 नहीं आएगा ना सुन, यहां पे 2 4 ये आ गया, तो यहां पे 1 ही आएगा, 1 रेस टू पावर 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट फोर्थ वाला एग्जांपल। उसके बाद हम ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, पुट 1 प्लस एक्स इक्वल टू पी पुट कर रहा हूं, 1 प्लस एक्स इक्वल टू, अभी देखो यहां पे स्टूडेंट जब मैंने ये वैल्यू पुट की, यहाँ पे 1 माइनस एक्स लिखता तब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो था, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 माइनस एक्स की जगह पी अगर पुट किया तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नहीं आएगा, क्या आएगा, पी टेंस टू 1 आएगा, ये तो ये मैंने एक्स टेंस टू लिखा था, यहाँ पे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, पी टेंस टू 1 चाहिए, ये आप याद रखो, और लिमिट में जब वैल्यू आप पुट करते हो तब लिमिट नहीं लिखना है। यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स इक्वल टू पी लिख रहा हूं, देन तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहां से
एक्स की वैल्यू मैं पी माइनस वन लिख सकता हूं, और लिमिट भी चेंज करना है एज एक्स टेंस टू जीरो देन पी टेंस टू क्या आएगा वन आएगा. तो देयरफॉर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो क्यूब रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स अपॉन एक्स. और फिर आपको लिखना है, देखो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू वन, इंस्टेड ऑफ एक्स टेंस टू वन व्हाट डू हैव टू राइट, पी टेंस टू वन क्यूब रूट ऑफ वन प्लस एक्स एस वन, वन प्लस एक्स की जगह क्या लिखना है आपको पी लिखना है, माइनस वन प्लस एक्स की जगह क्या है यहां पे, वन प्लस एक्स की जगह भी पी अपॉन एक्स की जगह, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू ये है पी माइनस वन. और फिर इसको सॉल्व करना है, देखो ये पी माइनस वन दोनों की डिवाइड में, इसको सेपरेटली लिख लो और लिमिट भी अप्लाई कर लो. लिमिट ऑफ पी टेंस टू वन क्यूब रूट ऑफ पी मीन्स पी रेस टू पावर वन बाय थ्री अपॉन पी माइनस वन. तो मैं इसमें अभी क्या कर रहा हूं, माइनस वन की एडजस्टमेंट कर रहा हूं, देखो क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे माइनस वन चाहिए ना. तो देखो ये माइनस वन माइनस रूट पी को मैं ऐसे लिख सकता हूं पी रेस टू पावर वन बाय टू माइनस वन. देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो यही मिल रहा है मुझे. ये मेरा एडजस्टमेंट क्यों की, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट, इसलिए मैंने इस टाइप की एडजस्टमेंट की है इस एग्जांपल में. ठीक है, अपॉन पी माइनस वन कंबाइन है ना, पहले एक स्टेप में कंबाइन लिख लो पी माइनस वन, नेक्स्ट स्टेप में इसको सेपरेटली लिख लो पी टेंस टू वन पी रेस टू पावर वन बाय थ्री माइनस वन को वन रेस टू पावर वन बाय थ्री लिख सकता हूं मैं माइनस, इसमें भी लिमिट अप्लाई कर लो लिमिट ऑफ पी टेंस टू वन पी रेस टू पावर वन बाय टू माइनस वन रेस टू पावर वन बाय टू अपॉन पी माइनस वन. ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो स्टूडेंट्स, तो ये कितना आएगा वन बाय थ्री इंटू वन वन बाय थ्री माइनस वन अपॉन अपॉन नहीं ना माइनस वन बाय टू इंटू वन रेस टू पावर वन बाय टू माइनस वन. और उसके आगे का आप सॉल्व करेगा स्टूडेंट्स. तो ये हो गया फोर और फिफ्थ एग्जाम्पल. आज का मैं वीडियो यही स्टॉप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. ठीक है, ज्यादा एग्जाम्पल हुए नहीं आज की इस वीडियो में, बाकी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे बाकी जो बचे. तब तक के लिए आपको अगर कुछ एग्जाम्पल इसके आगे के आते हैं तो आप फिर सॉल्व कर लो. मैं कुछ एग्जाम्पल आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है. स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने जो भी एग्जांपल देखे उस एग्जांपल से रिलेटेड ये फोर एग्जांपल है. ठीक है, ये फोर एग्जांपल आपको सॉल्व करना है और फिर ग्रुप में भेजना है. ठीक है, थैंक यू.